Students, today we have SP Sectarial Practice Class 12th HSC Maharashtra Board New Syllabus Chapter Number 1 Introduction to Corporate Finance. आज हम SP ले रहे हैं और इसका first lesson है Introduction to Corporate Finance. इस lesson को भी मैंने तीन part में divide किया है और तीन lectures यानी तीन videos में हम ये lesson आप तक पहुँचाएंगे. Okay? Number 1 आज हम लेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस. उसमें दो डिसीजंस हैं उसके बाद में एंड देन 10 हेडिंग्स का एक पॉइंट क्वेश्चन है इम्पोर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस. ओके, कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स विद द रेजिंग एंड यूजिंग फाइनेंस बाय अ कॉर्पोरेशन. इट डील्स विद द फाइनेंसिंग द एक्टिविटी ऑफ द कॉर्पोरेशन. जो कॉर्पोरेट फाइनेंस है आपका वो डील करता है रेजिंग एंड यूजिंग फाइनेंस. एक्चुअल डेफिनेशंस आगे आती है कि इसके अंदर जो इंक्लूड होता है वो है फाइनेंशियल प्लानिंग, स्टडी ऑफ कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट एंड शेयर मार्केट. मतलब हेनरी ने हमें ये एक्सप्रेस किया है कॉर्पोरेट फाइनेंस को कि कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स प्राइमरली विद द एक्विजिशन एंड यूज ऑफ कैपिटल बाय बिजनेस कॉरपोरेशन. और इसी में वो आगे बोल रहा है कि इसके फाइनेंस कॉर्पोरेट फाइनेंस के अंदर इंक्लूड क्या होता है. कॉर्पोरेट फाइनेंस के अंदर जो चीज़ें इंक्लूड होती हैं उसमें है आपका फाइनेंशियल प्लानिंग, स्टडी ऑफ कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट एंड शेयर मार्केट. ओके, फाइनेंस जो मैनेजर होता है किसी भी कॉरपोरेशन में उसको कुछ बातों का ध्यान रखना है. नंबर वन, द फर्म हैज़ एडिक्वेट फाइनेंस. एक फर्म के पास फाइनेंस हो एडिक्वेट जितनी रिक्वायरमेंट है. दे आर यूजिंग द राइट सोर्स ऑफ फंड दैट हैव मिनिमम कॉस्ट. वो इस तरह से अपने फंड्स को यूज़ करे जिसकी कॉस्ट मिनिमम हो जाए. एंड द फर्म यूटिलाइज रेज फंड्स इफेक्टिवली. जो भी फंड रेज हो वो इफेक्टिवली यूज हो एंड दे आर जनरेटिंग मैक्सिमम रिटर्न फ्रॉम फॉर इट्स ऑनर. और इससे जो हमें चीज़ें मिलें वो ज़्यादा मैक्सिमम आउटपुट होना चाहिए. नाउ टू डिसीजन आर ऑन द बेसिस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस. नंबर वन इज योर फाइनेंसिंग डिसीजन. ओके, फाइनेंस डिसीजन. इसमें बिजनेस फर्म असेस टू कैपिटल मार्केट टू फुलफिल इट्स फाइनेंशियल नीड. मतलब अपनी वो नीड को पूरा करने के लिए बिजनेस फर्म है वो कैपिटल मार्केट को असेस करेगी. फर्म कैन इवन ऑप्ट फॉर बैंक लोन. वो लोन ले सकती है, वो पब्लिक डिपॉजिट ले सकते हैं, डिबेंचर्स टू रेज द फंड. सेकेंड है आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन. वंस अगेन कैपिटल को असेस करने के लिए फाइनेंस मैनेजर क्या करेगा, डिसीजन ले सकता है रिगार्डिंग यूज ऑफ फंड इन सिस्टमैटिक मैनर. मतलब उसको किस मैनर में या सिस्टमैटिक मैनर में फंड को यूज़ करना है ताकि मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके. यूज़ फंड इन सच अ वे, इस तरह फंड को यूज़ करेगा कि रिटर्न्स आर मोर देन द कॉस्ट ऑफ द कैपिटल. मतलब कैपिटल की कॉस्ट कम एंड रिटर्न उसका मोर हो. फाइंडिंग इन्वेस्टमेंट एंड डिप्लॉय देम सक्सेसफुलफुली इन द बिजनेस टू नोन एज इन्वेस्टिंग डिसीजन. मतलब इन्वेस्टमेंट को फाइंड करना और बाद में उसको डिप्लॉय करना. ओके, उसको चलाना, उसको इम्प्लीमेंट करना ताकि बिजनेस सक्सेसफुल बने. इसे आप इन्वेस्टिंग डिसीजंस कहते हैं और इसको आप कैपिटल बजटिंग भी कहते हैं. ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर डेफिनेशन मीनिंग एंड टू डिसीजंस जो लिए जाते हैं कॉर्पोरेट फाइनेंस के अंदर. ओके, टू मेन डिसीजंस. Now, what we have next, importance of corporate finance, जो आज का हमारा main एक brief answer है जिसको हम करने जा रहे हैं, that is importance of corporate finance. पहला point आ रहा है helps in decision making. Important decision जो determined होते हैं वो depend करते हैं आपके fund की availability पर. अगर आपके पास fund नहीं है, finance नहीं है, तो difficult होगा किसी भी कंपनी के लिए परफॉर्म करना कोई भी फंक्शन इंडिपेंडेंटली विदाउट अ फाइनेंस. इसलिए हमारा पॉइंट भी है कि मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज आर डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स.
Every decision in the business is needed to be taken keeping in view of its impact on profit. मतलब कोई भी डिसीजन अगर लिया जा रहा है किसी भी कंपनी के अंदर, तो आपको माइंड में ये रखना है कि वो आपके प्रॉफिट पे कितना इफेक्ट करेगा, ये आपको पता होना चाहिए. कॉर्पोरेट फाइनेंस यहाँ पर एक रोल प्ले करता है, वेरी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है कि डिसीजन क्या लिया जाए. इससे पहला पॉइंट ही है हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, वेरी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा इन टेकिंग डिसीजन. सेकेंड पॉइंट है हमारा, सेकेंड इम्पॉर्टेंस है हमारी कॉर्पोरेट फाइनेंस की, हेल्प्स इन रेजिंग फंड्स फॉर अ प्रोजेक्ट. अगर कोई प्रोजेक्ट है तो उसके लिए जो आपको फंड की रिक्वायरमेंट है, ओके, तो वो भी वो कहाँ से रेज होगा? वो होगा रेज बाय इशूइंग शेयर्स या डिबेंचर्स या बॉन्ड, इवन बाय टेकिंग लोन. मतलब कोई भी फर्म, कोई भी कंपनी लोन भी ले सकती है जिससे उसका फंड रेज कर जाए. तो कॉर्पोरेट फाइनेंस की ये इम्पॉर्टेंस है कि कॉर्पोरेट फाइनेंस आपको हेल्प करता है इन रेजिंग कैपिटल फॉर एनी प्रोजेक्ट, चाहे वो लोन ले या अपने शेयर्स इशू करे या डिबेंचर या बॉन्ड इशू करे, ईटीसी. थर्ड पॉइंट, हेल्प्स इन आरएनडी. व्हाट इज आरएनडी? ये हमने उसी में ही पढ़ा था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट. हेल्प्स इन आरडी मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट टेकन फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ अ बिजनेस. किसी भी बिजनेस के ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए हमें रिसर्च करना होता है और डेवलपमेंट करना होता है. डिटेल टेक्निकल वर्क इज असेंशियल फॉर द एक्सिक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट. और फिर उसके हमें डिटेल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. आरएनडी एक लेंथी प्रोसेस है, इसलिए इसके लिए हमें कॉन्टिन्यूस फाइनेंस की सपोर्ट की ज़रूरत होती है. अगर आपको अपग्रेड करना है अपने ओल्ड प्रोडक्ट्स को, अगर आपको मार्केट सर्वे, मार्केट को एनालाइज करना है, ओके, और मार्केट को स्टडी करना है, कोई सर्वे कंडक्ट करना है, तो इन सारे कामों के लिए आपको रिक्वायरमेंट रहेगी, फाइनेंशियल सपोर्ट की रिक्वायरमेंट रहेगी. तो यहाँ रिक्वायरमेंट होती है फाइनेंशियल सपोर्ट की. तो कॉर्पोरेट फाइनेंस हेल्प करता है आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए. बहुत सारे टाइम आपने देखा होगा कि कंपनी हैज़ टू अपग्रेड इट्स ओल्ड प्रोडक्ट, कोई अपना पुराना प्रोडक्ट है उसको वो अपग्रेड करना चाहते हैं, तो अपग्रेड करना चाहते हैं ताकि न्यू कस्टमर ज़्यादा अट्रैक्टेड हों, तो ये अपने आप तो नहीं हो जाएगा ना, इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है. तो फाइनेंस की ये सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है? कॉर्पोरेट फाइनेंस हेल्प करता है ये सारा फाइनेंशियल सपोर्ट, जिससे कि आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं. फोर्थ पॉइंट है हमारा, हेल्प्स इन स्मूथ रनिंग ऑफ अ बिजनेस फर्म. देखिए, कोई भी कंपनी को चलना है, अगर इजीली वर्क करना है, कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस उसके लिए रिक्वायर्ड होता है. जैसे कि सैलरी टू एम्प्लॉय अगर देनी है तो टाइम पे देनी है सैलरीज टू द एम्प्लॉयज़, लोन अगर कोई है तो टाइम पे क्लियर करना है, रॉ मटेरियल अगर परचेज किया है तो वो भी टाइम पे होना चाहिए, कोई सेल प्रमोशन अगर आप कर रहे हैं एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स के लिए, तो ये सारे काम स्मूथली हों, या कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हो, अगर आप कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, सेल प्रमोशन करते हैं, तो इस सब के लिए आपको रिक्वायरमेंट रहती है फाइनेंस की. और कॉर्पोरेट फाइनेंस आपको हेल्प करता है टू रनिंग अ बिजनेस फर्म, ताकि आपके बिजनेस फर्म आपकी कंपनी ईजिली रन करे विदाउट एनी हिंड्रेंस. एसपी में बहुत सिंपल वर्ड्स आ रहे हैं, बहुत सिंपल चीज़ें आ रही हैं, और मैंने कोई लंबा लेक्चर भी नहीं डिसाइड किया है कराना, आराम से आप इसको करेंगे. और मैंने हेडिंग्स लिखी हैं फ्रॉम द टेक्स्ट, उसके अलावा मैंने उसमें कुछ पॉइंट्स भी लिखे हैं, लेकिन पॉइंट्स मैंने कुछ वर्ड्स फॉर्म में, फ्रेजेस फॉर्म में लिखे हैं. तो अगर आपको ये दिख रहे हैं वर्ड्स, तो आप इस टेक्स्ट बुक सामने रख के, ये टेक्स्ट बुक के ही वर्ड्स हैं, मैंने बाहर से या अपनी तरफ से क्रिएट नहीं किए हैं, तो आप टेक्स्ट बुक सामने रख के ये पॉइंट्स को अंडरलाइन मार कर लीजिएगा टेक्स्ट बुक में, और इसके अकॉर्डिंगली इसको आप रीड और राइट करने के बाद अच्छे से लर्न करके अपने नोट्स रेडी रख लें इस लेसन के, ताकि नेक्स्ट टाइम थ्रू आउट द ईयर आपको पढ़ना पड़े ये लेसन, तो आप अपने नोट्स से पढ़ सकते हैं. और प्रॉब्लम के लिए आपको मुझे व्हाट्सएप करना है, वहाँ से आपकी डाउट क्लियर की जाएगी, आपको गाइडेंस भी दी जाएगी. ओके, फिफ्थ पॉइंट हमारा, ब्रिंग्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस एक्टिविटी.
देखिए कंपनी चल रही है तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज रिक्वायर्ड है. ओके, प्रोडक्शन सफ़र करता है अगर आपके पास फाइनेंस की स्कार्सिटी हो जाए या रॉ मटेरियल स्कार हो जाए. डे टू डे फाइनेंस रिक्वायरमेंट भी अगर आपको पूरी करनी है तो उसके लिए आपको फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है ताकि स्मूथ फ्लो चले. तो कोऑर्डिनेशन चाहिए हमें वेरियस एक्टिविटीज़ के बीच में. ओके, ड्यू टू दिस सेल विल ऑल्सो सफर एंड कॉन्सिक्वेंटली द इनकम ऑफ द कंसर्न एज वेल एज द रेट ऑफ प्रॉफिट विल बी अफेक्टेड. अगर आपका जो सेल्स है वो अफेक्ट होता है, सफ़र करता है बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, बिकॉज ऑफ स्कार्सिटी ऑफ फाइनेंस, तो इससे आपका बिजनेस भी सफ़र करेगा, रेट ऑफ प्रॉफिट भी सब अफेक्टेड होगा. तो अगर आप चाहते हैं कि एफिशिएंसी ऑफ एवरी डिपार्टमेंट प्रॉपर हो तो वो डिपेंड करता है आपका इफेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर. अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट इफेक्टिव है, एफिशिएंट है, तो आपका फिर जो प्रोसेस है वो भी, तो आपका कोऑर्डिनेशन रिक्वायरमेंट है आपको वेरियस एक्टिविटीज़ के बीच में. आपको कोऑर्डिनेशन चाहिए ताकि फर्म बेटरली मूव करें आगे. ओके, मेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन. अब आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं, यहाँ से आप टैक्स में देखिएगा, बड़े पॉइंट्स नहीं है, ज़्यादा छोटे पॉइंट्स हैं, तो आप इसको डायरेक्ट भी मुझसे सुन सकते हैं. ओके, टैक्स सामने रखें, मैं टैक्स को ही बेस बना के आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. मैं पहले भी बता चुका हूँ OCE को में टैक्स बेस्ट नोट्स हैं, टैक्स से ही लर्निंग करने और इसी से आपके 90 अबाउ बोर्ड में आ सकते हैं ईजिली. ओके, एवरी ईयर हमारे स्टूडेंट्स ला रहे हैं. 6 पॉइंट है आपका प्रमोट एक्सपेंशन. अब आपको बिजनेस को एक्सपैंड करना है, चेंज करना है, डाइवर्सिफिकेशन, तो मॉडर्न मशीन्स लानी है. आपकी आउटडेटेड हो गई हैं पुरानी मशीन्स, या वो ओल्ड हो गई हैं, या कुछ प्रॉब्लम उसमें आ गई है, तो आप जब मॉडर्न मशीन मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं तो ये सब की चीज़ों को परचेज करने के लिए जो मनी रिक्वायरमेंट है वो कॉर्पोरेट फाइनेंस आपको सपोर्ट करता है, प्रोवाइड करता है. तो अगर फाइनेंस होगा तो आपका बिजनेस एक्सपैंड और डाइवर्सिफाई हो पाएगा. ओके, इसलिए फाइनेंस इसके लिए मैंडेटरी है. ओके, लास्ट में एक लाइन लिखी हुई ना कि फाइनेंस बिकेम्स मैंडेटरी. मैंडेटरी मतलब वेरी वेरी कंपल्सरी फॉर एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ अ कंपनी, किसी कंपनी के एक्सपेंड करने और डाइवर्सिफाई करने में. 7 पॉइंट इज मैनेजिंग रिस्क. कंपनी हैज़ टू मैनेज सेवरल रिस्क. कभी भी कोई सडन फॉल इन सेल्स हो सकती है या लॉस हो सकता है ड्यू टू नेचुरल कैलामिटी. कोई भी कैलामिटी आ सकती है, कोई अर्थक्वेक आ जाए, ठीक है ना. ओके, या कोई फेमाइंस हो सकता है किसी ईयर में, या कोई स्ट्राइक्स हो जाए, तो इस सब चीज़ों के लिए आपको फाइनेंशियल एड की रिक्वायरमेंट होती है. ओके, तो इसलिए इसमें रिस्क भी है, तो कॉरपोरेट फाइनेंस उन रिस्क को मैनेज करता है. 8 पॉइंट हमारा रिप्लेस ओल्ड असेट्स. हमारे जो पुराने आउटडेटेड और बहुत सालों से चलने वाले जो असेट्स हैं, प्लांट एंड मशीनरी हैं, ठीक है ना, ये आउटडेटेड हो गई हैं, ओल्ड हो गई हैं इन अयर्स, तो उनको रिप्लेस करना है हमें न्यू असेट्स से, तो इसके लिए भी फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है. फाइनेंस होगा, मनी होगा, फाइनेंस सपोर्ट होगा, तो आप अपनी प्लांट एंड मशीनरी को ओल्ड को रिप्लेस बाय न्यू वन करेंगे. 9 पॉइंट इज पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट. फाइनेंस नीडेड होता है किसी भी कंपनी के लिए कि वो अपने डिविडेंड को टू द शेयर होल्डर और इंटरेस्ट टू द क्रेडिटर या बैंक्स पे करें ऑन टाइम, तो इसके लिए आपको फाइनेंस, कॉरपोरेट फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है. और 10th और द लास्ट पॉइंट है हमारा पेमेंट ऑफ टैक्सेस फीस. कंपनी हैज़ टू पे टैक्सेस टू गवर्नमेंट. हर कंपनी को गवर्नमेंट को टैक्सेस देना है. ओके, चाहे वो इनकम टैक्स हो या गुड्स एंड सर्विस टैक्स, अब नया आया था GST, ये पे करना है, या रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को कोई फी पे करनी है. ऑन वेरियस ओकेजन इन सब की रिक्वायरमेंट होती है, तो फाइनेंस नीडेड है फॉर पेइंग दीज टैक्सेस इन फीस. अगर फाइनेंस नहीं होगा आपके पास या मनी सपोर्ट नहीं होगी, ओके, आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होंगे, ठीक है, आपका कॉर्पोरेट फाइनेंस स्ट्रांग नहीं होगा, तो फिर आप ये सब कैसे पे करेंगे.
तो दीज आर द 10 इम्पोर्टेंस ऑफ कॉरपोरेट फाइनेंस. मैंने आपको मीनिंग बताया, डेफिनेशन बताई, दो एक एक्स्ट्रा पार्ट आए थे, डिसीजंस आए थे, फाइनेंसिंग डिसीजन और इन्वेस्टमेंट डिसीजन. उसके बाद हमने इम्पोर्टेंस पढ़ा, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग. लॉकडाउन पीरियड में आप जितना भी अपना पोर्शन इस वे में कर पाएंगे, दिस विल बी बेनिफिशियल फॉर यू. ओके, थैंक यू.